कैसे, कब और कहां में शुरुआत करते हैं कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही हमेशा खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का सिलसिला माना जाता था। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही है और ऐसा ही रहा होगा। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आ जाते हैं, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा गया होगा। आपके जहन में ये सवाल भी उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक ही दिन में सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जवान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक सीमित समय की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही सीमित समय के बारे में बता सकते हैं। और जब वो खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं की बातों को ही इतिहास माना जाता था। ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वो कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसे कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, लेकिन अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वो क्या पैदा करते थे, वो क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है।
ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासनकाल से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हो जाते हैं। और हम अलग अलग दूसरे गवर्नर जनरलों जैसे कि लॉरेंस लिप्टन, रिपन कर्जुन और हार्डिंग के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी ना अंत होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसे था मानो कि लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौकठे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते थे? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहें। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहासकार गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जाता रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्या दिखाई नहीं देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों को, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक समय से दूसरे समय अंतराल के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। जेम्स मिल को लगता है कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक झगड़ों, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। जेम्स मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। जेम्स मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले क्या सारा अंधकार का दौर था? तो क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं।
क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है, किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया, किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था भी समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इसी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। हम किस तरह जानते हैं कि भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में ये तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम है। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनसे हमें ये भी पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन किन चीजों में थी और बात के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनको कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम ये पता नहीं लगा सकते हैं सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे, कब और कहां में, बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।